वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो से हम लोग एक नए सीरीज यूपीपीसीएस प्री 2024 के लिए सी सेट के टॉप 1500 क्वेश्चन की श्रृंखला को प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए ये 1500 क्वेश्चन अगर आप पूरा अटेंड करते हैं और इसका रिवीजन करेंगे बार बार तो सी सेट का पेपर चाहे जिस स्टैंडर्ड का रहेगा आप सी सेट आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। अगर सी सेट की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है सिविल सर्विसेज एम्टीट्यूड टेस्ट। इसमें पांच सब्जेक्ट्स कौन कौन से, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और इंटरपर्सनल स्किल, इससे मिलाकर कुल 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम में, जिसमें कि आपको 33% नंबर प्राप्त करना होता है। अर्थात 33% नंबर अगर आपको मिलेगा तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए सी सेट में क्या होता है ना कि विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि इसे हम आराम से मैनेज कर लेंगे, और इसी चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े धुरंधर जो कि पेपर वन जो कि जीएस का होता है उसमें अच्छा स्कोर करने के बाद भी मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते क्योंकि उनका सी सेट रुक जाता है। तो आप सी सेट में अच्छा अगर करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर है कि अभी से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि बाद में आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो 1500 क्वेश्चन की सीरीज को आप कंप्लीट देखिएगा। हम लोग एक एक क्लास में 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जैसी क्लास रहेगी, ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, 15 मिनट 20 मिनट के अप्रॉक्स रखेंगे ताकि आप आसानी से क्लास को देख पाइए। तो दिन के आधे घंटे निकाल करके आप इस सीरीज को जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। देखिए अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस एग्जाम के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आपके लिए एक गुड न्यूज ये है कि अगर आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और एप्लीकेशन की सहायता से किसी भी पेड कोर्स से जुड़ते हैं या कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, कोई टेस्ट सीरीज परचेस करते हैं तो आपको 31 मई तक 50% का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों मतलब 50%, आप समझ रहे हैं, एकदम आधा। जो कोर्स आपको 2000 रुपये का मिलने वाला था वो कोर्स आपको 1000 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन ये वैलिड है सिर्फ 31 मई तक। ये मिलेगा कैसे, आपको कूपन कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर। जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे जो प्राइस होगा वो 50% हो जाएगा, 31 मई से पहले आप इसे परचेस कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने सीरीज के पहले क्लास को देखते हैं और इसमें समझते हैं कि क्वेश्चंस किस प्रकार से देखने के लिए आपको मिलेंगे सी सेट में। तो सी सेट की जब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है सबसे पहले हिंदी के प्रश्न वहाँ पर रहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। वीडियो को आप लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, 1 से 4 तक के लिए निर्देश दिया है। निर्देश में क्या लिखा गया, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 1 से 4 के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर ही दीजिए। आपको क्या करना है कि गद्यांश को ध्यान से पढ़ने और इसके आधार पर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका आंसर आपको बताना है। तो चलिए देखिए इसमें देखते हैं क्या क्या गद्यांश दिया है। देखिए क्या दिया है गद्यांश में, दिया है देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2 लाख से अधिक हो जाने के साथ ही जिस तरह संक्रमण की रफ्तार तेज होने के आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे यह साफ है कि यह इस खतरनाक वायरस से उपजे महामारी से फिलहाल छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इसके बावजूद यह राहत की बात है कि देश में 1 लाख से अधिक लोग इस महामारी को परास्त कर ठीक हो चुके हैं और संक्रमण के शिकार लोगों के ठीक होने की दर भी 50% के करीब पहुंच गई है। यह भी राहतकारी है कि मरने वालों की संख्या अन्य देशों के मुकाबले कहीं कम है। जहां अमेरिका में 1 लाख से अधिक लोग मर चुके हैं वहीं अपने देश में अभी यह संख्या 6000 से भी कम ही है। मतलब ये कोरोना पर एक आर्टिकल दिया गया। देखिए आगे इसमें क्या दिया गया, निसंदेह करीब 3 माह में किसी एक बीमारी से इतने लोगों की मौत भी चिंताजनक है, लेकिन अन्य देशों में होने वाली जन हानि को देखें तो यह रेखांकित होता है कि भारत कोरोना के भयावह कहर से एक बड़ी हद तक बचा हुआ है। क्योंकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ यह कह रहे हैं कि अभी कोरोना वायरस के संक्रमण की चरम अवस्था आनी शेष है, इसलिए इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। एक ओर जहां स्वास्थ्य ढांचे को सक्षम बनाने के हर संभव उपाय किए जाएं, वहीं दूसरी ओर संक्रमण से बचने के लिए जो आवश्यक है वह किया जाए। इसके लिए सरकारों और उनकी विभिन्न एजेंसियों के साथ साथ आम लोगों को भी सतर्कता का परिचय देना होगा। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया, देखिए
यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, यह ठीक है कि कोरोना संकट के बीच कारोबारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए लॉकडाउन से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि शारीरिक दूरी के नियम को भी शिथिल कर दिया जाए अथवा सेहत के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत खत्म हो गई है। लॉकडाउन से बाहर निकलने की कोशिश वक्त की मांग थी। यदि जीविका के साधनों को बल देने के उपाय नहीं किए जाते तो कोरोना से अधिक नुकसान आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों के ठप रहने से हो सकता था। देखिए यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पूरी तरीके से बात किया जा रहा है कोरोना पर। इसमें यह बताया जा रहा है कि कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाया गया है ना, फिर उसके बाद अन्य देशों से तुलना की गई भारत की परिस्थिति का। अब देखिए यहाँ पर और कुछ दिया है, इसमें क्या दिया है, चूंकि अभी संकट टला नहीं है इसलिए हर किसी के लिए यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि शारीरिक दूरी के नियम का पालन करते हुए जीवन को सावधानी के साथ संचालित करें। यह खेद की बात है कि लापरवाही का परिचय दिया जा रहा है। इस तरह यह ठीक नहीं है, राज्य सरकारें अपने स्वास्थ्य तंत्र को दुरुस्त करने को लेकर तत्पर नहीं दिखती, इसके बजाय वे तरह तरह के प्रतिबंधों का सहारा लेने लगती हैं, इससे समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ रही हैं। मतलब यहाँ पर ये एक तरीके से बताया गया कि कोरोना से अन्य देशों में क्या नुकसान हुआ है, भारत की क्या स्थिति रही है, यही जिक्र किया गया। अब कुछ क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प उस समय देश में कोरोना संक्रमित की संभावित संख्या दर्शाई गई। देखिए अगर बात किया जाएगा कि जो कोरोना के संक्रमण की बात करेंगे तो संभावित संख्या क्या दर्शाया गया, तो यहाँ पे देखिए ये बताया गया कि मतलब लाखों की बात की जा रही है ना। देखिए 2 लाख से अधिक की बात की गई थी, अगर आप आर्टिकल को देखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या दिया गया, रुकिए देखिए कि इस महामारी से देखिए देश में 1 लाख से अधिक लोग परास्त कर ठीक हो चुके हैं, और यहाँ पे देखिए ये है 2 लाख से अधिक है ना, कि संख्या 2 लाख से अधिक हो जाने के साथ, तो 2 लाख से अधिक हुआ है, तो यहाँ पर इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प है, तो 2 लाख से पार का विकल्प सिर्फ एक दिख रहा है, 2,40,000, तो संभावित संख्या विकल्प सी हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का विकल्प सी सही उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया गया, यहाँ पर प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए कौन सा कथन सही, पहला पॉइंट है भारत के लोग कोरोना संकट से बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहे, भारत में कुल कोरोना संक्रमितों में से लगभग आधे रोगी सफलतापूर्वक स्वस्थ हो जा रहे हैं, कोरोना संकट के इस संसार से जल्द ही टल जाने के आसार हैं, भारत में कोरोना के कारण मृत्यु दर अमेरिका के तुलना में कहीं अधिक है। देखिए अब आपने जब पैसेज पढ़ा, आपने ये दिया गया आर्टिकल पढ़ा है, तो आपको पता चला कि जो भारत में कोरोना से ठीक होने वाले व्यक्तियों की संख्या है आधे रोगी लगभग स्वस्थ हो जा रहे हैं, तो विकल्प बी इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन संख्या 3 यहाँ पर क्या दिया गया, भारत में कोरोना संकट से उत्पन्न समस्याओं का क्या कारण है। अब ये बताया जा रहा है कि कोरोना से जो संकट उत्पन्न हुआ है क्या कारण है इसमें। देखिए भारत में स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है ना, इसका जिक्र नहीं किया गया। भारत में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय प्रशासन उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करने में सक्षम सिद्ध नहीं हुआ है, ये भी जिक्र नहीं किया गया। भारत की विभिन्न राज्य सरकारें अपनी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पर कार्य करने के बजाय इस संकट से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग ढूंढने में व्यस्त हैं, तो इसी का जिक्र किया गया था एकदम अंत में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्रश्न संख्या 4, 4 में क्या दिया गया, कोरोना संकट से बचाव का संभावित उपाय क्या हो सकता है, आपको यह बताना है। तो देखिए यहाँ पर संभावित उपाय क्या हो सकता है, पहला है सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक दूरी कायम रखना चाहिए, सही है ना। राज्य सरकारों को अपने स्वास्थ्य तंत्र में सुधार करना चाहिए, सही है। अपने दैनिक जीवन में परिवर्तन लाना, अब ऐसा तो जिक्र नहीं किया गया कि कहीं भी पैसेज में। अब आगे देखिए, अपनी सेहत के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतना, यह भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, विकल्प सी यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्रश्न संख्या 5 क्या दिया गया, 5 में दिया गया यथाविधि शब्द किस समास का उदाहरण है। देखिए यथाविधि शब्द में कौन सा समास होगा, तो यहां पर आप देखिए इसमें पहला विकल्प है अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष, इसमें से कोई नहीं, तो यथाविधि में अव्ययी भाव समास होगा। आपको अव्ययी भाव समास का की परिभाषा पता होगी, जिसका पहला प्रथम पद अव्यय होता है या पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऐसे भी आपको याद रखना चाहिए, यदि किसी शब्द की शुरुआत यथा, वे, अनु, भर, प्रति इन सब शब्दों से होगा आ, तो वो हमेशा अव्ययी भाव समास होगा, या फिर कोई शब्द ऐसे रिपीट हो जैसे मान के चलेगा दिनों दिन, तो उसमें भी अव्ययी भाव समास बनेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 में दिया अटका बनिया देय उधार लोकोक्ति का क्या अर्थ है। देखिए अटका बनिया देय उधार, अगर इस लोकोक्ति के अर्थ की बात करेंगे, व्यापारी दबाव डाले जाने पर ही उधार देता है। आगे दिया अपना काम निकालने के लिए सामने वाले की बात माननी पड़ती है,
बनिया जब अटकता है तो उधार देने लगता है, किसी से उधार पाने के लिए उस पर दबाव देना आवश्यक होता है। तो देखिए यहां पर देखेंगे अगर अटका बनिया दिया उधार, इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना काम निकालने के लिए सामने वाले की बात माननी पड़ती है, विकल्प बी। क्वेश्चन संख्या 7 को देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 दिया सुकृति का विपरीतार्थक शब्द है, आपको बताना है कि सुकृति का विलोम क्या हो जाएगा। तो सुकृति का विलोम इसमें चार विकल्प है, संस्कृति, दुष्कृति, विकृति और उन्नति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकृति, सुकृति का उल्टा होता है विकृति, विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 8। 8 में यहां पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, आपको यह बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा नहीं होगा। देखिए जड़, मूल, जागरण और शयन, तो इसमें जो जड़ है यह तत्सम शब्द नहीं है, विकल्प ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9। 9 में दिया है औलाद किस विदेशी भाषा का शब्द है, अगर औलाद की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे चार भाषा रखा गया, अरबी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और टर्की। तो इसमें अगर औलाद की बात करेंगे तो औलाद अरबी भाषा का शब्द है, विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, अच्छ के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है, मतलब अच्छ का कौन सा अर्थ नहीं होगा। अच्छ का अर्थ धूरी होता है ना, हाथी नहीं होता है, तो हाथी सही हो जाएगा, बाकी वाहन भी होता है और सर्प भी होता है। तो अनेकार्थी शब्द नहीं होगा तो हाथी नहीं होगा, बाकी तीन बनेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, मतलब कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको यह बताना है। मैंने मेरा भोजन कर लिया यह अशुद्ध है, मैंने भोजन कर लिया यह सही हो जाएगा, तो ये मतलब यहाँ पे अशुद्ध है। अगला दिया है कन्याओं की सुंदरताओं में ने मेरा मन मोह लिया, ये भी पढ़ने से पता चल रहा है अशुद्ध है। वह खाई बहुत गहरी थी सही है, मेज को यहां रखो ये भी अशुद्ध है, तो विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 12। 12 में दिया है निम्नलिखित किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, आपको बताना है कौन सा शब्द सही है। विवेक इसमें छोटी की मात्रा रहेगी, सूरज में बड़ी की मात्रा रहेगी, अजीत में बड़ी की मात्रा रहेगी, आकाश बिल्कुल सही लिखा गया, विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 13। 13 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा आंख का पर्यायवाची नहीं है, आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं। देखिए नेत्र, नयन, लोचन, त्रिलोचन ये सब आंख का पर्यायवाची होता है, चक्षु, दृग ये सब है। अब यहाँ पे वदन की बात करेंगे तो वदन आंख की पर्यायवाची नहीं होगी, तो इसका सही उत्तर विकल्प ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 14। यह मेरी पुत्री है इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा रूप है। देखिए यहाँ पे मेरी पुत्री अगर देखेंगे तो इसमें क्या बताया जा रहा है, मेरी पुत्री है, निश्चित किया जा रहा है, तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 15। डुबल शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है, देखिए डुबल की बात करेंगे किस बोली का शब्द है, तो नाम से पता चल रहा है डुबल, ये भोजपुरी का शब्द होगा, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 16। 16 में दिया है अधोमुखी का विलोम क्या होगा, अधोमुखी का विलोम होता है ऊर्ध्वमुखी, बिल्कुल सही है पहला उत्तर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 17। 17 में दिया गया कौन ड्रिप होए हमें का हानि, चेरी छोड़ न हो भाई रानी, है ना। देखिए यहाँ पे ये एक तरीके से एक श्लोक दिया गया, कोई नृप होए हमें क्या हानि, चेरी छोड़ न हो भाई रानी। निम्नलिखित में नृप का अर्थ क्या है, देखिए नृप का मतलब क्या होता है, राजा होता है, ऐसे भी यहाँ पे मतलब इसका अर्थ निकल रहा है कि कोई भी राजा बन जाए हमें क्या मतलब है उससे, मतलब ऐसा तो नहीं कि हम ये जो चेरी का काम है इसे छोड़ करके रानी बन जाएंगे, है ना। चेरी मतलब यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, जो भी इसका व्यापक अर्थ होगा, है ना, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा राजा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण, एक स्वर संधि के उदाहरण की बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कौन स्वर संधि का, तो देखिए विद्यालय स्वर संधि का उदाहरण है ये पूछा जा रहा है ना, तो विद्या प्लस आलय ये भी हो जाएगा, है ना, गज प्लस आनंद ये भी हो जाएगा, अभी प्लस लेख, मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में दोस्तों त्रुटि दिख रही है, क्योंकि स्वर संधि की बात करेंगे तो गज प्लस आनंद ये भी मतलब गजानन हो जाएगा, बिल्कुल सही स्वर संधि, विद्यालय में भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, इसमें जो सही उत्तर बनेगा, या तो यहाँ पे इसमें त्रुटि है ना, या तो हो सकता था कि कौन सा स्वर संधि का उदाहरण नहीं है ये प्रश्न बनना चाहिए था। तो ये आज की क्लास रही, इसमें कुल हिंदी के प्रश्नों का हम लोगों ने डिस्कशन किया है। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, कहने का तात्पर्य देखिए, अब यहाँ 19 से मैथ्स के प्रश्नों की शुरुआत हो रही, तो इसे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। दोस्तों ये जो टॉप 1500 क्वेश्चन की सीरीज है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट सीरीज में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार के हम लोग 15 टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करेंगे, तो टोटल 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे, और आपको कंप्लीट अंदाजा लग जाएगा कि सी सेट के प्रश्नों को कैसे टैकल किया जाना है। चलिए अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।